नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। दो दिन पूर्व तेगरा थाना क्षेत्र के तेगरा नगर परिषद क्षेत्र कस्बा भगवती स्थान के पास ट्रैक्टर लदे घास ट्रैक्टर ड्राइवर राहुल कुमार आ रहा था। उसी क्रम में मधुरापुर की ओर से दूसरा ट्रैक्टर तेगरा बाजार की ओर जा रही थी। उसी बीच दोनों ट्रैक्टर ड्राइवरों में ट्रैक्टर को साइड लेकर निकालने के क्रम में आपसी कहासुनी हुई। विवाद को लेकर गुरुवार को वहां के स्थानीय लोगों के अनुसार वार्ड संख्या 28 मधुरापुर बिचला टोला निवासी ड्राइवर राहुल कुमार के घर पर वार्ड संख्या 28 निवासी पप्पू सिंह अपने दो भाई एवं अपने लड़के के साथ राहुल के घर पर जाकर गाली ग्लोज किया। उस वक्त राहुल ट्रैक्टर लेकर कहीं खेत जोतने गया हुआ था। उसी बीच राहुल की पत्नी सोनी देवी के साथ कहासुनी हुई और वो सभी सोनी देवी के साथ मारपीट किया, जिससे सोनी देवी पूर्ण रूप से घायल हो गई है। लोगों को जुटते ही ये चारों वहां से फरार हो गए। सोनी देवी की सास एवं परिजनों ने सोनी देवी की घायल अवस्था को देखते हुए आनन फान में तेगरा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर अमरेश कुमार ने सोनी देवी को सर में कई टांके लगाते हुए उसका चिकित्सीय व्यवस्था अपने देखरेख में किया। बताया जाता है कि प्रीता के सर पर डंडे या रड से प्रहार किया हुआ था, जिस वजह से काफी गड़ी चोट आई है और पेशेंट की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इधर तेगरा थाना पुलिस ने मरीज के होश आने के बाद उसका बयान दर्ज की है और घटना के अनुसंधान में जुट गई है। ट्रैक्टर ड्राइवर राहुल पूर्व वार्ड पार्षद राजकुमार सिंह के ट्रैक्टर का ड्राइवर है। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। पप्पू के बेटा निकाले रहे, पैसा नहीं देते निकालते। सोनी देवी